जमशेदपुर में नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन गांधी जयंती के अवसर पर किया गया, जिसकी मेजबानी टाटा स्टील कर रहा है। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाज टीम के लिए 16 तीरंदाजों का चयन किया जाएगा, जो ढाका में होने वाले एशियाई चैंपियनशिप का आधार भी होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज, टाटा स्टील आर्चरी एकेडमी में शुरुआत, तीरंदाजी टीम में 16 तीरंदाजों का होगा चयन, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का होगा आधार। ढाका में आयोजित होगी एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की शिरकत। भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए 16 तीरंदाजों का चयन किया जाएगा, जो ढाका में आयोजित होने वाले एशियाई तीरंदाजी में भाग लेंगे। इसके लिए जमशेदपुर में नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फाइनल 10 एवं 11 अक्टूबर को होगा, जिसमें अंतिम रूप से खिलाड़ियों का चयन होगा। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी शिरकत की। राज्यों में जो प्रतिभा सामने है, उसको हम मिल करके उभारे और सारे खेलों के प्रति लोगों को जागरूक भी करें और उन्हें समान अवसर कैसे उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करें। तो ये कुल मिलाकर के इस समय देश की सरकार खेल के प्रति समर्पित है और बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयत्न कर रही है। प्रतियोगिता की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर हुई। इस मौके पर अतिथियों ने बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सब जानते हैं कि गांधी जी को इस देश में राष्ट्रपिता के रूप में हमेशा श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके मार्गदर्शन को, उनके विचारों को, उनके थॉट्स को देश ही नहीं दुनिया में अनुसरण भी किया है, अनुग्रहित भी किया है। और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे हम राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को देखते हैं, राष्ट्र के बेटा के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी को देखते हैं। सारे प्रतियोगी जी जान से जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि फाइनल में किन लोगों का चयन हो पाता है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।